लास्ट वीडियो तो हमने बात की थी, कुछ कुछ फैक्टर्स की बात की थी एंजाइम को, एंजाइम को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स की बात की। हमने मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात की कि एंजाइम किस प्रकार से एक्शन करता है, एंजाइम किस प्रकार से एक्शन करेगा, इसकी हमने बात की। आज हम बात करते हैं फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको मैंने लास्ट में समझाया था कि इसको समझाने के लिए कुछ थ्योरियाँ दी गई थी। इसमें से फर्स्ट थ्योरी आती है लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी। ये एक साइंटिस्ट थे गिवन बाय इमिल फिशर, ठीक है ना, 1984। सबसे पहले कब दी गई थी, इमिल फिशर ने दी थी 1984 में, इसे दिया था, ठीक है ना। इमिल फिशर ने ये कहा था जैसे एक स्पेशल ताले के लिए एक स्पेशल प्रकार की क्या पाई जाती है, की पाई जाती है, लॉक एंड की इसीलिए नाम धरा गया। जैसे क्या होगा, एक स्पेशल ताले के लिए एक स्पेशल क्या पाई जाएगी, की पाई जाएगी, उसी प्रकार से एक स्पेशल सबस्ट्रेट के लिए, एक स्पेशल सबस्ट्रेट के लिए क्या पाया जाएगा, एक स्पेशल एंजाइम पाया जाएगा, जिससे वो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आसानी से क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है अटैच हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एक स्पेशल ताले को एक स्पेशल या उसी ताले की एक चाबी से खोला जा सकता था, उसी प्रकार से जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको समझाया था सबसे पहले किसने, लॉक एंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग इमिल फिशर ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू this theory, as one lock can be opened by its key only, by its key only, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे हमने बात की है जो ताला है वो एक स्पेशल की से खोला जा सकता है, एज ए स्पेसिफिक एक्टिव सबस्ट्रेट ओनली कैन फॉर्म बॉन्ड का मतलब होता है अटैच होना है, मिलना जुड़ना, बॉन्ड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। अगर इसको समझाने के लिए हम इस प्रकार से बनाते हैं, एक बना देते हैं, ये हो जाता है सबस्ट्रेट, ये हमारे पास ये आ जाता है एंजाइम, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट, ये हो जाता है हमारे पास एंजाइम। जिस प्रकार से हमने बात की एक स्पेशल ताले के लिए एक स्पेशल क्या होगी, यहाँ पे की पाई जाएगी, ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और ये दोनों क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ये अटैच हो जाएगा, जिससे हमारे पास कुछ इस प्रकार का हमारे पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कुछ समय बाद क्या होगा, एंजाइम तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा निकल जाएगा, इस प्रकार
इस प्रकार से, ठीक है ना। एंजाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे अलग हो जाएगा, प्लस में इसके साथ में क्या बना हुआ होगा आपके पास, एक प्रोडक्ट बन के आ जाएगा जिसकी स्ट्रक्चर क्या होगी अलग होगी। हमको बनाना भी प्रोडक्ट था, क्या बनाना था, प्रोडक्ट ही हमको बनाना था, ठीक है ना, जो कि इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसको समझाया था सबसे पहले एक लॉक एंड की मॉडल के द्वारा इमिल फिशर ने, इन्होंने कहा था जैसे एक स्पेशल टाइप की लॉक के लिए एक स्पेशल टाइप की पाई जाती है, उसी प्रकार से एक स्पेशल टाइप के सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, हो सकता है उस सबस्ट्रेट से वही एंजाइम जुड़ सकता है और उसकी एक्टिव साइट क्या हो सकती है, उससे अटैच हो सकती है, जिससे वो क्या बनाएगा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, देन आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और एंजाइम अनचेंज होकर अलग हो जाएगा। सेकेंड थ्योरी आती है आपके पास बी, सेकेंड थ्योरी आपके पास आती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, सेकेंड थ्योरी आती है आपके पास इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है ना। सेकेंड थ्योरी आती है आपके पास इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी आपसे ये कहती है, अच्छा ये गिवन बाय, ये एक साइंटिस्ट थे कोशलैंड, ये एक साइंटिस्ट थे कोशलैंड, इन्होंने दी थी 1966 में, ये दी गई थी 1966 में। इंड्यूस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्साइट करना, किसी भी चीज़ को उत्तेजित करना, एक्साइट करना। फिट का मतलब होता है किसी भी के साथ भी एडजस्ट हो जाना। हम ये एक बार देखते हैं, इसको इस प्रकार से देखा जाए, एंजाइम, ये मान लो कोई एंजाइम है और ये हमारे पास क्या पाया जा रहा है, एक एस लिख देता हूँ, इसका मतलब है सबस्ट्रेट पाया जा रहा है, ठीक है ना, क्या पाया जा रहा है, सबस्ट्रेट पाया जा रहा है। तो इस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम में क्या हो जाएंगे, कुछ चेंजेस हो जाएंगे, इस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम में क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये दोनों जो बने हैं जुड़कर आपस में, इसे हम लोग बोल देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा आपके पास एंजाइम, ये क्या हो जाएगा आपके पास एंजाइम हो जाएगा। कुछ समय बाद क्या होगा, जो एंजाइम था इस शेप में ही आपने जो फर्स्ट आपने देखा, इस शेप में एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट से किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के अकॉर्डिंग कोशलैंड ने ये कहा था कि जो सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम खुद को एडजस्ट कर लेता है, ये सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम खुद को कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। इसी को हमने बोला इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये जो साइट है जहाँ पर क्या होता है आकर, ये जो साइट है जहाँ पर एंजाइम आकर, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आकर जुड़ा है, इसे हमने बोला है एक्टिव साइट बोला है, इसको हमने क्या बोला है, एक्टिव साइट बोला है, ठीक है ना। हमने शुरू में क्या था, एंजाइम इसके साथ नहीं जुड़ सकता था सबस्ट्रेट के साथ, इस प्रकार की साइट नहीं थी सब एंजाइम पे, जैसे हमने इस पर इसमें देखा सबस्ट्रेट था एंजाइम के अकॉर्डिंग ही था पहले से ही, ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंजाइम में, एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे, जिससे इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स
बन जाएगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस थ्योरी को ही हमने बोला है क्या, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इस थ्योरी को ही हमने बोला है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्टिव साइट्स फाउंड इन साइट फाउंड इन एंजाइम आर नॉट रिच, एंजाइम आर नॉट रिच्ड। मतलब शुरू में एंजाइम इसके अकॉर्डिंग, सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं था, देयरफॉर दीज एक्टिव साइट्स आर एक्टिव साइट्स दीज एक्टिव साइट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट बट एज सून एज बट एज सून एज सबस्ट्रेट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एंजाइम active site changes and become according to सबस्ट्रेट। हमने ये कहा है अकॉर्डिंग टू द एक्टिव साइट फाउंड इन एंजाइम आर नॉट रिज, ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ये किसी प्रकार के चेंज नहीं हो सकती, देयरफॉर दीज एक्टिव साइट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं है, बट एज सून एज जैसे जैसे सबस्ट्रेट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ, जैसे जैसे सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के कॉन्टैक्ट में आएगा, द एक्टिव साइट्स का चेंजेस, एक्टिव साइट जो है चेंज यहाँ एंजाइम की जो एक्टिव साइट है यहाँ से जुड़ा हुआ है, चेंजेस एंड बिकम अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, और किसके अकॉर्डिंग हो जाती है, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हो जाती है। फिर हमने फर्स्ट हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, ठीक है ना। सेकेंड हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी, लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हम एक प्लॉट कर लेते हैं, एक डायग्राम या एक ग्राफ क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, ये हो जाएगी रेट ऑफ सबस्ट्रेट और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, एनर्जी आ जाएगी। हम बात करते हैं पहली कंडीशन हम लोग बनाते हैं इससे कि जब हमने किसी भी प्रकार का एंजाइम रिएक्शन के अंदर एंजाइम को है जो यूज़ नहीं किया, ठीक है ना, एंजाइम का हमने यूज़ नहीं किया। दूसरी मैं बना रहा हूँ पेंसिल से, ठीक है ना। एक कंडीशन ये थी, ये क्या थी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये क्या थी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी जो कि इतनी ज़्यादा आ रही थी जब हमने एंजाइम को यूज़ में नहीं लिया, विदाउट एंजाइम
विदाउट एंजाइम, ठीक है इतना ही लिख देते हैं, ठीक है ना। ओके अब ये क्या होगा, एंजाइम के बिना यदि इसको रिएक्शन को चलाया जाए तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगी रिएक्शन रेट पर इफेक्ट पड़ेगा और रिएक्शन रेट धीरे हो जाएगी, इतनी एनर्जी कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता। अब हमने क्या किया, अब दूसरा मैं पेंसिल से बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, एक एंजाइम इस रिएक्शन के अंदर डाल दिया, इस एंजाइम को हमने यूज़ में ले लिया, इस एंजाइम को हमने यूज़ में ले लिया है, तो इससे क्या हो गई, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, ठीक है ना, विथ एंजाइम, ठीक है ना, विथ एंजाइम, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट, होता है जब हमने पहले बात की, जब हमने विदाउट एंजाइम इसको यूज़ में लिया था तो हमारे पास प्रोडक्ट बना था, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगी थी, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई थी, ज़्यादा लगी थी, इससे प्रोडक्ट बनने में हमें कुछ समय लगा, हमने फिर हमने ली एंजाइम को यूज़ में लिया, एंजाइम को यूज़ में लिया, जिससे क्या हो गया एक्टिवेशन जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है यहाँ पर, कम हो गई है। हमने इसको पेन से बना रखा है, इतना एंजाइम के लिए रिएक्शन बनाई है हमने पेंसिल से, और विदाउट एंजाइम हमने जो रिएक्शन बनाई है वो पेन से बनाई है, और बाकी हमने एक्टिवेशन एनर्जी को पेन से शो किया है, पेंसिल से शो किया है, ठीक है ना। जिससे इससे हम ये कह सकते हैं, जो एंजाइम होता है किसी भी सबस्ट्रेट की, किसी भी सबस्ट्रेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे रिएक्शन रेट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, जिससे रिएक्शन रेट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसको इस प्रकार से लिख भी सकते हैं हम लोग, इसको इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, इन केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड but some energy is also required to prevent the initiation of these reaction, उनको चलाने के लिए क्या होती है, कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, reactions, ठीक है ना। the energy required for initiation, the energy required for initiation the reaction is called activation energy, कि उसको एक्टिवेट करने के लिए, सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। एंजाइम्स हैव द एंजाइम्स हैव द स्पेशलिटी दैट दे कैन रिड्यूस द दे कैन रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिवेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए क्या हो जाती है, इसको कम कर देते हैं, रिड्यू, ठीक है ना। दस
इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट गेट्स कन्वर्ट gets converted into end products at lower activation energy. ठीक है ना, ये यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, जिससे क्या होता है आपका ये जो टॉपिक है थोड़ा सा, बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. थैंक यू.